वैसे तो सहजन के फायदे के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और सहजन की सब्जी कई तरीके से बनाई भी जाती है। तो दोस्तों, आज मैं सहजन की सब्जी की ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत जबरदस्त लगती है। आप अगर इसके साथ दाल या कोई दूसरी सब्जी नहीं बना रहे हैं तो भी आप इस सब्जी के साथ पेट भर के खाना खा लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये हेल्दी और टेस्टी सहजन की सब्जी हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सहजन को छिलकर कट कर लेंगे। तो इसको छिलने के लिए इस तरह से पतला सा लेयर पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो इसमें से रेशा जैसा निकलेगा, तो इसको हम निकाल देंगे और जितनी दूर साफ हो गया है उसको कट करके रख लेंगे। फिर से रेशा निकालेंगे तो इस तरह से पूरे सहजन को हम कट कर लेंगे। और सहजन लेते समय ध्यान रखिए ना तो बहुत ज़्यादा मोटा हो ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो, मीडियम साइज का सहजन रहता है तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सहजन छिलकर कट करके रख लिया है। एक मीडियम साइज का आलू भी छील लेंगे, साथ में 3 मीडियम साइज के टमाटर और 2 मीडियम साइज के प्याज, 15 से 16 लहसुन की कलियां और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इस सब्जी में हम टमाटर का यूज थोड़ा ज्यादा करेंगे। अदरक और लहसुन को एक मिक्सी जार में डालेंगे, साथ ही साथ प्याज को रफली काट लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा बचा लेंगे तड़के के लिए। अब टमाटर भी रफली काट कर मिक्सी जार में डालेंगे और सभी चीजों का फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आलू को मीडियम टुकड़े में कट कर लें। अब एक कढ़ाई लें, कढ़ाई में लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डालें और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें ये सहजन और आलू डालकर फ्राई कर लेंगे। ढक के फ्राई करेंगे ताकि फ्राई होने के साथ साथ सभी चीजें थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। जब तक सहजन और आलू फ्राई हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। इस तरह से समय की बचत होगी। आप चाहे तो एक ही बर्तन में सब्जी बना सकते हैं। तो अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालें और मेथी दाना चटकते ही इसमें ये छोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज डाल दें। जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज होगा इसमें ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मिक्सी जार में बहुत सारा पेस्ट लगा है तो थोड़ा सा पानी करके डाल दें। आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें ताकि मसाले को भूनने में आसानी हो। आप चाहे तो इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का पेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं। तो मसाला लगभग आधा भून चुका है, अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर या तो फिर स्वाद के अनुसार। तीखा लाल मिर्च पाउडर से कलर भी बहुत बढ़िया आता है और ये तीखा भी होता है। फिर से मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। मसाले को ढककर भूनेंगे ताकि मसाले की खुशबू भी ना निकलने पाए। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, कुकर छोड़ दे रहा है और तेल भी अलग हो गया है। अब इसमें ये फ्राई किए हुए आलू और सहजन डाल दें। अब फिर से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लें। भूनने के बाद अब इसमें पानी डालेंगे तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। 1.5 गिलास पानी में ग्रेवी ना तो बहुत ज्यादा पतली रहेगी और ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी रहेगी। पानी डालने के बाद कुकर का प्रेशर लगा दें और गैस फ्लेम मीडियम करके 1 सीटी आने दें। 1 सीटी आते ही गैस फ्लेम ऑफ कर दें और कुकर का प्रेशर अपने आप से निकलने दें।
तो प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। कुकर का ढक्कन हटाते ही सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तुरंत खाने का मन कर रहा है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। 2 मिनट के लिए ऐसे ढककर रहने देंगे ताकि धनिया पत्ती और गरम मसाले का फ्लेवर सब्जी में अच्छे से आ जाए। सब्जी अब सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सब्जी का कलर भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया आया है। सहजन ना तो बहुत ज्यादा गला है और ना ही कच्चा है, बहुत बढ़िया से सब्जी बनकर तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। आपने देखा ही कितनी आसानी से बिना किसी तामझाम के ये सहजन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, एक बार ये सहजन की सब्जी आप भी बनाइए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।